हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित जना, आप देख रहे हैं टेक्निकल भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि मेरा जो पहला वीडियो था वो ऑनर 7X का एक सिंपल सा ऐड था। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ऑनर का जो 7X है वो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनर 7X का अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों कर दूँगा। तो दोस्तों, अभी आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका ऑनर 7X का बॉक्स। तो अभी मैं इस बॉक्स का बैक व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपके कुछ फीचर्स के बारे में लिखे हुए हैं। इसमें आपको ऑनर फुल व्यू डिस्प्ले वाला ऑप्शन मिलता है और इसमें आपको रियर में 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और इसका जो बैटरी है वो आपका 3340 mAh का बैटरी है। यहाँ पे नीचे आपका कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए। इसमें आपको ऑक्टाकोर वाला प्रोसेसर मिला हुआ है। दोस्तों, ये जो वेरियंट है ये आपका 4GB RAM और 32GB ROM वाला वेरियंट है। इसमें आपको 64GB ROM वाला वेरियंट भी अवेलेबल है। और इसको एंड्रॉयड 7 यानी कि नोगेट वर्जन मिला हुआ है। और यहाँ पे आप बाकी सारे फीचर्स देख लीजिए। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है और ये 4G वोल्टी है। और अभी आप इसका प्राइस देख लीजिए। ये 32GB ROM वाला वेरिएंट है तो इसका आपको 13,000 देना पड़ेगा। और अगर आप 64GB लेना चाहते हैं तो उसका आपको 14,000 देना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बॉक्स कंटेंट्स लिखा हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए। तो आइए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है मेरे भैया यूज़ कर रहे हैं, तो इसका रैपर गुम हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। तो आइए अब इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ऑनर 7X का स्मार्टफोन और इसका बिल्ड क्वालिटी जो है ये आपका फुल मेटल बॉडी है। तो आइए अब इसे साइड पर रख देते हैं। पहले मैं आपको बॉक्स एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। ये आपका वारंटी कार्ड, और यहाँ आपको यूज़र गाइड मिला हुआ है। तो ये हम निकाल लेते हैं। ये आपका यूज़र गाइड। और दोस्तों, अभी आप इसका चार्जर देख लीजिए, निकाल लेते हैं इसको। ये जो है आपका 2.0 एम्पियर का आउटपुट निकालता है, मतलब कि आपका फास्ट चार्जर है। देख लीजिए, ये आपका USB केबल। दोस्तों, इसमें आपको ईयरफोन नहीं मिलते, जैसा कि मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था कि आजकल का स्मार्टफोन में ईयरफोन नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए अब इस फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने से पहले मैं आपको इसका बटन्स दिखा देता हूँ। यहाँ साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिया हुआ है। यहाँ पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और इसका बॉडी पूरा कम्प्लीटली फिनिश्ड बॉडी है। और यहाँ पे आपको डुअल कैमरा, 1 16 मेगापिक्सल और दूसरा 2 मेगापिक्सल है। और ये आपका LED फ्लैश। और यहाँ आपको सिम ट्रे मिलता है, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसमें आपको पिन घुसा के ये ट्रे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड या दो सिम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और साथ में फ्लैश। तो आइए अब इसे ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑनर 7X का स्क्रीन आ गया। खुल रहा है। तो दोस्तों, हमारा स्क्रीन खुल चुका है। इसमें मैं पासवर्ड डाल कर रखा हूँ, अभी अनलॉक कर लेता हूँ। तो देख लीजिए, ये हमारा मेन स्क्रीन। तो अभी मैं आपको इस फ़ोन का डिटेल्स दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाइए और फिर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ सिस्टम पे जाके आपको अबाउट फोन में क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, ये अबाउट फोन में। दोस्तों इसमें आपको EMUI वाला OS मिला है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे आपको बाकी सारे डिटेल्स लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर आपका रैम के बारे में लिखा है 4GB और फोन स्टोरेज आपका 32GB। और यहाँ पे आपका स्क्रीन का रेशियो लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके बाकी सारे कुछ डिटेल्स। आप यहाँ से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, ये भी ऑटोमेटिक मोड पे है। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज या इनपुट सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ से आप ब्राइटनेस लो या हाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका वॉलपेपर सेटिंग, और ये है आपका फुल स्क्रीन डिस्प्ले मोड। और यहाँ पे आपको कुछ मोड्स मिला हुआ है, यहाँ से आप अपना स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना स्क्रीन रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, HD या फुल HD। यहाँ से आप अपना रिंगटोन या नोटिफिकेशन साउंड सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, देख लीजिए ऑप्टिमाइज हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपका कनेक्शन का सेटिंग्स कुछ है, इसमें भी आपको मेरा शेयर मिला हुआ है। और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी सेटिंग्स, यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस फ़ोन के आपको कैमरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐप्स पर जाइए और यहाँ कैमरा पे क्लिक कीजिए। तो ये हमारा कैमरा आ गया, तो आप इसका पिक्चर का क्लैरिटी देख सकते हैं। जैसा कि ये फ़ोन डुअल कैमरा वाला है, तो इसलिए इसका पिक्चर बहुत ही क्लियर आने वाला है। तो अभी मैं आपको एक पिक खींच के दिखा देता हूँ। जैसे आप ऊपर में फ्लैश इनेबल या ऑफ कर सकते हैं, सॉरी पहले इसको नॉर्मल मोड में कर लेते हैं। यहाँ से अभी आपका फ्लैश ऑटो मोड या ऑन कर सकते हैं। तो खींच लेते हैं पिक, अभी एक फ्लैश के साथ भी खींच लेते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट पर क्लिक करके इमेजेस पर जा सकते हैं, देख लीजिए कितना क्लियर आया है। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए जूम करने के बाद भी कोई ब्लरनेस या नॉइजीनेस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपको कुछ मोड्स मिलेंगे ऊपर में, यहाँ पे आप लेफ्ट पर स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगे। तो आइए अब इसका फ्रंट कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप इसका फ्रंट कैमरा भी देख लीजिए कितना अच्छा है, कितना क्लियर आ रहा है। यहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगे और ऊपर में आपको कुछ मोड और फ्लैश इनेबल करेंगे। और यहाँ पे आपको इनबिल्ट ऐप्स बहुत ही कम मिलेंगे इस फ़ोन में। ये फ़ोन मेरे भैया यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको अभी होम स्क्रीन दिखा देता हूँ। यह होम स्क्रीन पे आपको फ़ोन बुक मिला है और यहाँ पे आपको फ़ोन पैड यानी कि डायलर मिला है। तो अभी मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ, इसका जो स्पीकर है इसका क्वालिटी कैसी रहेगी। यहाँ पे आप म्यूज़िक प्लेयर पे जाइए और अभी मैं ये गाना प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे स्पीकर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कितना जोर बजती है। और मैंने अभी वॉल्यूम भी हाई कर दिया है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा इसका स्पीकर का साउंड क्वालिटी।
तो दोस्तों ये थी हमारे ऑनर 7X के बारे में, और अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। और दोस्तों जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा नया चैनल है, मैंने अप्रैल 2018 में ही शुरू किया था, तो आप ही का सपोर्ट का वजह से मेरा ये चैनल अभी तक 72 सब्सक्राइबर पहुँच चुका है। पर दोस्तों मुझे अभी 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि मुझे टाइम मिला है 11 मंथ्स के अंदर। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरा ये चैनल सेव करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, और प्लीज़ आप पूरा मुझे 100% सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग गैजेट्स और अपकमिंग गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्म करता रहूँगा, तो प्लीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पर।